विधायक जी, जो कल का शहर में हादसा हुआ है और जो मीटिंग हुई है, देखिए साहब, जो हुआ गलत हुआ, उसको सब उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अभी हम लोग मिले डीएम साहब से, एसएसपी साहब से, सब सहारनपुर के तमाम जिम्मेदार नेता लोग भी थे और जिम्मेदार जो सोशल वर्कर्स हैं वो भी थे, और वही बात हमने करी कि साहब देखो, जो बेगुनाह को जो क्या नाम पुलिस, मतलब थोड़ा सा ये हो रहा है कि भाई उनके घर पे भी जा रहे हैं या उनको लोगों कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे लड़के का नाम, तुम्हारे लड़के का नाम, तो वो काम होना चाहिए। उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसमें गलत मामले के अंदर किस तरीके से हम साथ नहीं, मतलब किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात ये, हमने ये भी कहा कि जो नए कम उम्र के बच्चे हैं, जो बेचारे वहाँ देखने चले गए या जो जिनको जिनको कसूर नहीं था, उनको एक बार सुधारने का मौका भी दें कि वो आगे गलती ऐसी नहीं करेंगे, ये भी हमें पूरी उम्मीद है। और ये नूपुर शर्मा जी वाला, ये नूपुर शर्मा का जो मामला चल रहा है, नूपुर शर्मा के मामले में भी सब लोगों ने कहा कि भाई कम से कम इन लोग गिरफ्तारी होनी चाहिए, पब्लिक के अंदर गुस्सा कम, गुस्सा शांत होने का काम हो। भाई अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, जितने भी करा है गलत करा, उसकी जांच होनी चाहिए, पता तो रहे कौन है कौन नहीं है। पुलिस के ऊपर पथराव भी हुआ है, बस जो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अगर जो कुछ भी अगर किसने करा है गलत करा है तो गलत के हम निकला। अब वो जो भी है वो बात हुई है, जो गलत होगा हमें पता चलेगा कौन था, मालूम तो होना चाहिए लीड कौन कर रहा था। जी, ये आज की जो मीटिंग हुई है कल के मामले को लेके, इसके विषय में देखिए, जो कल मामला हुआ था जुमा की नमाज के बाद शहर में हमारे हादसा हुआ, उसी के बाबत यहाँ पर हम लोग डीएम साहब और एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए थे, और ये कहने के लिए आए थे कि जो बेकसूर लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अगर कुछ है तो 140 के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होनी चाहिए। और हम ये भी मांग करने के लिए आए थे कि इस माहौल को ख़राब करने के लिए जो ज़िम्मेदार हैं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदर, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये हमारा मैसेज सरकार को भेज देना चाहिए। शहर में कुछ लूटपाट भी हुई है दुकानों? देखिए, हमारी जानकारी में नहीं है कोई इस तरह की लूटपाट हुई है, अगर कोई छुटपुट हादसा हुआ हो एक अलग बात है, वरना इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था? मेरी जानकारी में नहीं है कि पुलिस के ऊपर कोई पथरा हुआ। ठीक जी, मुजफ्फरपुर जो बताएंगे कल का जो हादसा हुआ है, ये इसमें क्या कहना चाहेंगे, आज जो मीटिंग भी हुई? देखिए, इस तरह के हादसे बहुत गलत हैं, इससे शहर का माहौल ख़राब होता है, और ये जो हादसे हो रहे हैं, आप इसके अगर गहराई में जाएं तो आप देखिएगा कि ये अगर पहले से ही नूपुर शर्मा को और उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो शायद इस तरह के हादसे ना होते, लेकिन सहारनपुर के अमन चैन के लिए इस तरह के हादसे गलत हैं, और ये घटना बिल्कुल हम इसकी निंदा करते हैं, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। Thank you.